नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हले देखनबा कोन रहिछि वर्तमान रा हेडलाइन्स ओडिसा रे बीजेपी रो भविष्यत उज्जवल बीजेडी पई सतर्क घंटी एमिति भविष्यत बाडी करी चर्चा को आसी छति 6-6 थर रो बीजेडी सांसद भर्तुवारी मताप भर्तुवारी को एपरि मंतव्य राजराजनीति रे सृष्टि करिछि कंपन हाइदर फेरार घटना को नहीं बड़ घटना कहले संबलपुर एसपी जेल रे किए रचिता षड्यंत्र किए थे संपृक्त हेब कि खोलताड़ निज पिठी निजे थापड़ाउछंती डीजीपी घाटी विजिलेंस विचाखंडी खणी दुर्नीतिर तदंत करिब राज्य विजिलेंस खणी दुर्नीति नहीं विवाद रे प्रशासन माफिया और स्थानीय विधायक प्रणव बलवंतराय व्यापक राजस्व हरिलुट नहीं अभियोग आनी आरटीआई कर्मी सर्वेश्वर बेहरिया राज्य में बिगुड़ी स्थिति कोविड मुकाबला स्वास्थ्य विभाग डाकिला जरूरीकालीन बैठक बेड आईसीयू वेंटिलेटर संपर्क में विस्तृत आलोचना जेई मेन स्थगित कोरोना घुंचला जुग्म प्रवेशिका परीक्षा 27, 28 और 30 एग्जाम परीक्षा नहीं परवर्ती समय तारीख घोषणा राज्य में 24 घंटे 3664 नुआ पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटीन 2127 लोकल केस 1537 खोर्धारु सर्वाधिक 704 सुंदरगढ़ 340 नुआपड़ 221 आउ दुई मुंड नेला महामारी देश में कोरोना कहर 24 घंटे 1495 संक्रमित मृत्यु मृत्यु संख्या 177,150 वृद्धि सेपटे 260,000 ऊर्ध नुआ पॉजिटिव चिन्हट 10 सीमांत जिले सप्ताहत शटडाउन द्वितीय दिन कड़ाकड़ी पालन होयम विभिन्न स्थान में पुलिस कड़ा चेकिंग 10 जिले संध्या 6 सका 5 कर्फ्यू बाकी 20 जिले में राति 9 सका 5 जाए घर बाहर मना एवं राज्य में पुणी बढ़ती सप्ताह जाए ना निस्तार खुबशीघ्र 44 डिग्री छुईब पारद 19 उपकूल ओडिशा कालबैशाखी आशंका ओडिशा रे बीजेपी रो भविष्यत उज्जवल एक चर्चा को आसी विजु जनता दल 6-6 थर रो सांसद भर्तुवारी मताप आउ भर्तुवारी भविष्यवाणी 2019 निर्वाचन रो फलाफल बीजेडी पई सतर्क घंटे भर्तुवारी को एपरी कथा एबे राज्य राजनीति रे सृष्टि करिछि कंपन चाणक्य भूमिका रे सांसद भर्तुहरि मताप महताब को भविष्यवाणी 2019 निर्वाचन रो फलाफल बीजेडी पाई एक प्रकार सतर्क घंटी आउ शताधिक आसन रो दंभ नहीं दल चुप हो बसीगले चलिबो नाही 2019 रे बीजेपी जेपरी राज्य रे काय विस्तार करिछि ताहा बीजेडी पाई एक प्रकार रो सतर्क घंटी बोली परोक्ष रे बीजेडी को चेताई दैछंती कटक लोकसभा आसन रु 6-6 थर निर्वाचित होइतिबा सांसद भर्तृहरि महताप आ भर्तृहरि एपरी राजनैतिक अंक कषा को नहीं राज्य राजनीति में सृष्टि होइछि कंपन एक संवाद पत्र को साक्षात्कार राज्य राजनीतिर वास्तव चित्र को बखाणी भर्तृहरि भर्तृहरि कहिछंती ओडिशा रे 2014 मसीहा रे बीजेपी मात्र गोटे लोकसभा आसन जीतिथिला 2019 निर्वाचन रे बीजेपी 8टी लोकसभा आसन अख्तियार करिछि 3-4 आसन रे बीजेपी 10-12 हजार भोट रे हारी एहा किछि कम कथा नुहे बीजेपी जपरी लोकसभा आसन रे विजय हासिल कला सही दृष्टि रो बीजेपी 50 अधिक आसन जीतिबा कथा तबे ताहा नहोई काहे कि 23 विधानसभा आसन रे बीजेपी सीमित रहिला ताहा मध्य अनुशीलन रा विषय बोली कहिछंती भर्तृहरि आ भर्तृहरि को मुहरे सीधा सीधा राज्य रे बीजेपी रो भविष्यत उज्जवल बोली कुहा जाइछि आउ 1998 परे देश रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व रे स्थिर सरकार आसीथिबा बेले वर्तमान रो समय एक परिवर्तित परिस्थिति सृष्टि करिछि बोली भर्तृहरि कहिछंती आउ भर्तृहरि को एपरि बयान राज्य रे बीजेपी रो भविष्यत उज्जवल बोली प्रमाण करूछि सेपटे शासन तंत्र रे प्रशासनिक अधिकारी को हस्तक्षेप को मध्य परोक्ष रे समालोचना करिछंती भर्तृहरि जहाँ को नहीं राजनैतिक महल रे सृष्टि होइछि कंपन ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज ग्यांगस्टर हाइदर फेरार घटना एहाकु एक बड़ घटना बोली कहिछंती संबलपुर एसपी बाटुला गंगाधर पुलिस आखिरे धूली देई ग्यांगस्टर फेरार होइजबा एक बड़ घटना तेणु यार पुंखानुपुंख तदंत करा जिबो
कमिशनरेट पुलिस यार तदंत करुछि तेणु निश्चित भाव यार पर्दाफाश हेबो बोली से आशावादी अछन्ति। केस तो कटक रे हेछि टीसीपी कटक एंड कटक मंगलबाग पुलिस स्टेशन रे हेछि दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर से माने एंट्री करबे जहां अछि से माने प्रेस रे कहिबे अपडेट करिवे केस इज नॉट रजिस्टर्ड हियर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट डन हियर इंक्वायरी इज नॉट डन हियर सो ओनली कटक पुलिस आर कमिश्नरेट पुलिस विल गिव यू अपडेट्स से माने फेलेन की छोरो जुट गए देयर अंडर सस्पेंशन से कटक रे ही अछन्ते वर्तमान समरपुर जेल कोन इंक्वायरी होछ समरपुर जेल कोन इंक्वायरी सेटअप देखो बहुत इंक्वायरी माने इंफॉर्मेशन से तांकर मेडिकल बैकग्राउंड कोन होतला कोन सेटा भी आमे ऊपर हमें इंक्वायरी करूछु बट ओरिजिनल इंक्वायरी कटक कमिश्नर माने कटक और कमिश्नरेट पुलिस करिवे और से माने आपनको अपडेट दे दे जणो को बारंबार कोन कथा जत लागि आगे जणो को बारंबार ड्यूटी रे कथा जत लागि अपडेट सेटा हमें एबे कहिबु नै बिकॉज़ इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय कमिश्नरेट पुलिस सो दे विल ओनली टेल यू एटा गोटे बडो घटना हे छि इज अ वेरी बिग इंसिडेंट सो इट थरो इंक्वायरी होबो एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एजेंसी पर्टिकुलर मैटर इज से कमिश्नरेट पुलिस अछंते घटना सेट हे छि तो कंप्लीट इंक्वायरी से ही माने करिवे आमे असिस्ट करिवु जदि इन्फॉर्मेशन मागिले लोकल इंक्वायरी पाई असिस्टेंस पाई मागिले वी विल असिस्ट कमिश्नरेट पुलिस येस आमे तो आम आड़े तांकर कौन लैप्सेस अच्छी तांकर कौन असुविधा है कि कौन है कि माने प्री प्लान थिला कि नथिला ये सब इंक्वायरी आमे करिबो आम तरफ रु बिकॉज़ दे आर आवर स्टाफ आमे से इंक्वायरी आमे करिबो मु आपनको कहूछि केस है इन्वेस्टिगेशन रे अच्छी आप बुझा कथा यू शुड सीरियसली अंडरस्टैंड इन्वेस्टिगेशन से माने करू छेंते मु कमेंट करि पारिबि मोर जवाब कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से माने करू छेंते ता ऊपर रे मु जहां किछि कहिवार अछि इट विल बी आउट ऑफ माय ज्यूरिडिक्शन मु काई कहिबि सेटी केस हेछि तो घाटीबो विजिलेंस बिछाखंडी खणी दुर्नीतिर हेबो विजिलेंस तदंत राज्य विजिलेंस दुर्नीति संपर्क रे करिबो खोलताड़ एने लोकायुक्त तो विजिलेंस को निर्देश देछंती बिछाखंडी खणी दुर्नीति नै प्रशासन माफिया और स्थानीय विधायक प्रणव बलवंतराय बेबात को आसीथिले खणी लूट करी व्यापक राजस्व हरिलूट करितबा नै अभिजोग आनीथिले सर्वेश्वर बेहुरिया जानते बिछाखंडे एरिया रे लार्ज स्केल इलीगल माइनिंग ऑपरेशन होछि सेटे जो सब पत्थर अछि कला पत्थर अछि ताको बिजू जनता दल रा नेता तांकर खणी माफिया एवं ठिकादार माने दिन राति सेठी डायनामाइट लगे करी खणी लूट करछन्थि एवं से अंचल रे स्थानीय लोक माने बारंबार आपर विरोध करछन्थि ह्यूमन राइट्स कमिशन केस हेछि बहु लोक भी मरिछन्थि एवं से अंचल रा परिवेश एवं मुख्यतः भाव चाष पूरा नष्ट हेछि ए संपर्क में सर्वेश्वर बेहरा जी अंचल सूचनाधिकर्मी बारंबार प्रशासन निकट अभियोग करते एसपी की से अभियोग करते कलेक्टर को भी देते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखे और निजे चीफ सेक्रेटरी भी देते कितुतापुर कौन कार्यानुषान ग्रहण करानी कहीं जेहेतु गोटे शासक दल रेता मान मुख्यतः भाव में स्थानीय विधायक प्रणवंतर नायक प्रोत्साहन ये हरिलुट चली तेणु पुलिस प्रशासन कौन से पदक्षेप नेला ना तापर सर्वेश्वर बेहरा सूचना अधिकार आईन में जो तथ्य सब हासिल कराइला ताकू नहीं लोकायत केस फाइल कले बिछाखंडी खणी दुर्नीति गोटे भयंकर दुर्नीति जाजपुर जिले में या दर्शेवा सहित आर तदंत दाबी करते जो तदंत जो लोकायत नोटिस जारी कले सर्वेश्वर बेहर बोमामाड़ होता बिछाखंडी में पूर्णांग शुणी करी वर्तमान लोकायत यार तदंत राज्य विजिलेंस दायित्व देते दिमास टाइम दिखाई आप तदन कर रिपोर्ट दाखल करने परवर्त पर्यायर लोकायत पुणी कार्यानुषान ग्रहण करेंगे प्राथमिक पदार सर्वेश्वर बेहरा तरफ आर क्राइम ब्रांच एसटीएफ द्वारा तदन करने दाबी कराइला
କିନ୍ତୁ ଲୋକାୟତ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆଗ ଦେଖିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେବା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି, କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ଏ ବୈଠକରେ ବେଡ୍, ଆଇସିୟୁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ବେଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେତେ ବେଡ୍ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା, ସେହିପରି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଓ ଆଇସିୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 4-5 ଗୁଣ ଅଧିକ ବେଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଆଇସିୟୁ ବଢ଼ାଇବା ଏତେଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ତଥାପି ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। 4ଟି କାଟାଗୋରିର ବେଡ୍ ଦରକାର, ସାଧାରଣ ବେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ବେଡ୍, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ସହ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଥିବା ବେଡ୍। ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 100 ବେଡ୍ରେ ହାରାହାରି 6% ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଦରକାର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ବେଡ୍ ଅଧିକ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯିବ। ଆଇସିୟୁ ଓ ଏସ୍ଡିୟୁ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ୁଛି। ଗଲା ୱେଭ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ 15 ଦିନ ଡେରିରେ ଆମର ବଢ଼ୁଥିଲା, 15 ଦିନ ପିକ୍ ଡେରିରେ ପିକ୍ ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ପାଖରେ ବଡ଼ ବୋରିଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବହୁତ ଯାତାୟାତ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭମେଳା, ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କୁମ୍ଭମେଳା ବି ବହୁତ ଲୋକ ଫେରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣ୍ଡ ଗୁଜୁରାଟରେ ଯଦି ପ୍ୟାନିକ୍ ସେଟିନ୍ ହୋଇଗଲା, ଯଦି ଲୋକଟେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଗଲା, ଯଦି ବେଡ୍ ମିଳିବନି, ଔଷଧ ମିଳିବନି, ତାହେଲେ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ, ନିଜ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଟିକେ ୱରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି। ବେଡ୍ ବିଷୟରେ ଯାହା ପଚାରିଲେ, ବେଡ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଇଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ବେଡ୍ ଗଲାଥର ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ କରିବେ। ପ୍ରାୟ 4-5 ଗୁଣ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ରହିବେ। ଆଇସିୟୁ ଏତେ ବଢ଼େଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଇସିୟୁ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆଇସିୟୁ ପାଇଁ ସେଟଅପ୍ ଦରକାର, ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଦରକାର, ସେଟଅପ୍ ଦରକାର, ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ଆପଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ବେଡ୍, ଆମର 3 ପ୍ରକାର ବେଡ୍ ଦରକାର, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ବେଡ୍, ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ବେଡ୍, ଗୋଟେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ୱିଥ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର। ଏଇ 4ଟା କାଟେଗୋରୀରେ ଆଇସିୟୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦରକାର ନାହିଁ। ନିୟମ କହୁଛି 100 ବେଡ୍ରେ ହାରାହାରି 6% ପାଖାପାଖି ଆମର ଆଇସିୟୁ ଦରକାର। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଆମେ ଏଥର ଠିକ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ରହିବ, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯିଏ ଆଇସିୟୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବେନି, ଆମେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁକୁ ନେବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇସିୟୁ କଞ୍ଜେସନ୍ ବି ହେବନି। ବାକି ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ବେଡ୍ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଏଚ୍ଡିୟୁ କହୁଛୁ, ହାଇ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆଇସିୟୁ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ବି କମିବ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଇସିୟୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଏଚ୍ଡିୟୁ ବେଡ୍କୁ, ତେଣୁ ଏଚ୍ଡିୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ଆଇସିୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଫେଜ୍ ଅନୁପାତରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ବଢ଼ିବ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ଯେତିକି ଆମ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଥିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଙ୍ଗରେ ବି ନିଗୋସିଏସନ୍ ହୋଇକି ଥିବ, ସେ ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ିଯିବ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।